तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ईपीएफओ में निकली नई भर्तियां 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ में एक वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो मन तक बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो मन तक बने रहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, 2860 प्लस पदों पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफी के पद पर इसमें वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जॉब लोकेशन सेंटर दिल्ली रहेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी के बारे में जानकारी दिया गया है, जो 20,000 रुपया तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों, और कम से कम 20,000 मिलेगा, और अधिकतम से अधिकतम 1,12,400 रुपया तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, जो यूआर जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये लगने वाली है, वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के सहारे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए, एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच आपका एज है तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 वर्ष अधिक छूट दिया गया दोस्तों, वहीं एससी एसटी वालों को 5 वर्ष अधिक छूट दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, 25 अगस्त 2023 तक एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है आवेदन करते वक्त, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। तो फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी का कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकता है दोस्तों। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी दोस्तों लग सकता है। यहाँ पे देखिए, आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम लिखना होगा, उसके बाद एग्जाम इंटरव्यू होगा दोस्तों, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है, जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बर्मी पास है तो आवेदन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया दोस्तों। इन सभी का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम जवाब देने का जल्द प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।